Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि डिस्कस करते हैं. और आज भी हमेशा की तरह दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. तो उम्मीद है आप हमेशा की तरह एक्टिव होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम की. और अगर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इस सेशन को जरूर देखते होंगे रेगुलर, और साथ में रेफर भी जरूर करते होंगे ताकि देश के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट बन सके, सभी लोग अच्छी एजुकेशन ले सके, अपडेट रह सके और अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर क्या कर सके, अच्छा काम कर सके. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल मैंने आपको दिए थे उनसे, और उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन पे. तो कल का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो देख लेते हैं. घटना में रविंद्र अधिकारी की मृत्यु के बाद में नेपाल में संस्कृति पर्यटन और नागरिक मंत्री जो है उनको बनाया गया है. तो ये था आपका कल का सवाल और उसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, योगेश. ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती हर साल कितनी तारीख को मनाई जाती है, ये आपसे पूछा गया था. तो दोस्तों 31 जुलाई को जो है मनाई जाती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत के क्रिकेटर वेणुगोपाल राव ने सभी फॉर्मेट से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. तो आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिकेट टीम के से रणजी के पूर्व कप्तान थे, तो आंध्रा की टीम के थे, है ना. नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने डोपिंग उल्लंघन के लिए पृथ्वी शॉ को जो है वो सितंबर या नवंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. साथ में साई प्रणीत की बात करें तो जबरदस्त बैडमिंटन के प्लेयर है, टॉप 20 के अंदर है. यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के लोकपाल अधिकारी के रूप में अर्जुन कुमार सिकरी जी को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट है आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक खेल के अंदर टेबल टेनिस का जो मिक्स डबल है उसको इस बार एड ऑन किया गया है. डेल ग्लोबल वुमेन एंटरप्रेन्योर सिटी इंडेक्स 2019 में किस देश ने एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वह है दोस्तों सिंगापुर. जब हम बात करते हैं ग्लोबल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सिटीज इंडेक्स की, यहाँ पे भारत गौरव अवार्ड जो है वो कपिल देव जी को दिया गया है. इंटरनेट COO कॉफी डे के जो बनाए गए CCD के COO वो नितिन जी को बनाया गया है, और मालविका है उनकी वाइफ सिद्धार्थ जी की जो कि अभी रिसेंटली जिनको हेड बनाया गया. अब चलते हैं आज के कोट ऑफ द डे की तरफ जो कि निकेत के द्वारा बताया गया और काफी अच्छा है. मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है. बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो एक बोली गई है कि यार कोई भी मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो सिंपल सी बात है, किस्मत की बात है. किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है तो कुछ और उसको लाइफ के अंदर लिखा होता है. आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो फुटबॉलर बन गया है, फुटबॉलर बनना चाह रहा है तो क्रिकेटर बन गया है. तो किसकी किस्मत किसको कहाँ लेके जा रही है ये अलग पैरामीटर से दोस्तों, लेकिन सिंपल सी बात है कि कोशिश करना तो बनता है यार. कोशिश करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन जो है आपको मिलता है उसका कोई कंपेरिजन नहीं होता है दुनिया में. जो खुशी आपको मिलती है, जो चीजें उस मेहनत के टाइम पे आप अपने बारे में जान रहे होते हो, आप अपने आप को पहचान रहे होते हो कि आप भी जो है अच्छी मेहनत कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, तो वो सब जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. और जब कोशिश करते हैं उसके बाद ही आपको पता लगता है कि आपके लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या काम आपको करना चाहिए. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मंजिल मिले या ना मिले उसका लोड कम लेंगे, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देंगे और हम कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है. तो ये बिल्कुल बात है जो कि सही बोली गई है. चलिए आगे बात करते, आपको मालूम है दोस्तों कि नियर बाय 30-40 हजार हमारे सोल्जर्स हैं जो कि अभी जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं,
और अमरनाथ यात्रा को लेकर बोला गया है कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज है जो कि होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो गुलमर्ग उम्बल बाकी जगह पे टूरिस्ट जो है उनको भी जाने के लिए बोल दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और साथ में जितने पिलग्रिम्स थे उनको क्या कर दिया है, होल्ड के ऊपर रख दिया है। समझ गए? तो एक ये काफी बड़ा मुद्दा है, आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है, ये सच में अमरनाथ यात्रा को लेकर है या फिर 35A को लेकर कोई बड़ा डिसीजन है जो कि यहाँ पे लिया गया है, तो वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। नेक्स्ट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अयोध्या की अपील जो है वो 6 अगस्त से सुनेगा। इसके अलावा बात करें तो यूपी के अंदर जो रेप केस हुआ था और वो दिल्ली के अंदर मूव नहीं होगा, अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया है क्योंकि अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके बाद में मैटर को देखा जाएगा। दिल्ली को दोस्तों इमिनेंस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो टैग दिया गया है। आपको मालूम है सेंटर जो है वो 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बना के लेने के लिए बोला है, और उसके अंदर कुछ तो है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है दुनिया के टॉप 500 के अंदर, और कुछ है जो कि अभी बनी भी नहीं है उनके ऊपर, जैसे कि रिलायंस की एक है ना, ऐसे 20 टोटल जो है 20 यूनिवर्सिटीज को इमिनेंस टैग है जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें मालदीव्स की दोस्तों, तो मालदीव्स के एक मैंने आपको बोला था लीडर है तो उसको भारत ने असाइलम देने के लिए मना कर दिया है। ट्रिपल तलाक को लेकर दोस्तों 3 लोग हैं जिन जो बुक्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 लोगों के खिलाफ जो है ऑलरेडी ट्रिपल तलाक का परसों ही तो साइन हुए थे और जो है वो कल केस भी दायर हो गए। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज है जो कि द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर आया है। एक आदमी चोरी करने के लिए किसी की शॉप के अंदर घुसा, नीचे से जमीन के टाइल्स वाइल्स तोड़ी, बाहर का रास्ता खोदा, ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से जो है वो घुसा, और उसके बाद में जब उसने उसका जो कैश बॉक्स होता है वो चेक किया तो उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं था कैश बॉक्स के अंदर। तो वो इतना दुखी हुआ कि उसने एक लेटर लिख के भेजा कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना ज़्यादा लेबर लगाया, मैंने अपनी पूरी लाइफ को रिस्क पे लेकर जो है वो ये चोरी करी और तुमने यहाँ पे कोई कैश नहीं रखा, तो ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो शॉपकीपर था वो देख के हैरान हो गया कि यार ये लेटर भी लिख के गया चोर, मतलब कितनी अजीब बात है। ठीक है, उसके बाद में पुलिस कंप्लेन है जो कि करी गई है। चलिए, बहुत ही डिसअपॉइंट, हाईली डिसअपॉइंट हो गया, मतलब ये जो था ना जो चोर था कि यार 1 रुपया भी नहीं मिला, मतलब तो सब कुछ तो पहले तो यहाँ पे बिखेर दिया और उसके बाद लेटर लिख के गया है, मतलब तो कुछ ऐसा यहाँ पे कारनामा है जो कि करके गया है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अभी बोला गया है और जिन लोगों ने NRC एक्सरसाइज को स्किप किया है उनको लेकर अभी कोई भी प्लान नहीं है, ऐसा आसाम को लेकर बताया गया है। UAPA बिल जो है दोस्तों उसको फाइनली अप्रूवल मिल चुका है राज्यसभा से भी। मैंने आपको बोला था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA बिल के बारे में अच्छे से समझाया भी था, और साथ में आपके UPSC चैनल के ऊपर जो है YFSTD UPSC के ऊपर आपके लिए वीडियो भी बनाया था, तो देख लीजिएगा अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि कपिल मिश्रा को लेकर है। ठीक है, कपिल मिश्रा को लेकर है कि भाई कपिल मिश्रा को क्या कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है यहाँ पे, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको क्या कर दिया गया है, डिसक्वालीफाई है, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है। कपिल मिश्रा है कौन दोस्तों, कपिल मिश्रा दिल्ली के MLA है जिनको रिसेंटली अभी कल ही क्या कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। समझ गए? अब आपको जैसे कि मालूम है कई बार पेपर में पूछते हैं कि बताइए दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन से शेड्यूल में है, तो वो 10th शेड्यूल के अंदर है, समझ गए? और इसके तहत जो है कालरा जो कपिल मिश्रा है इन्होंने वॉलंटरीली क्या की है, अपनी जो मेंबरशिप है वो क्या दी है, यहाँ पे दी है, तो वॉलंटरीली देना बहुत जरूरी है। मैंने कर्नाटक जो इशू था ना उसके ऊपर भी आपको बताया था एंटी डिफेक्शन के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ाया था। इसको 1985 के अंदर जो है एड ऑन किया गया था। ठीक है, और अगर कोई अपोजिशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जैसे कि अभी कालराज मिश्रा जी है, इन्होंने बहुत तारीफ करी मोदी जी की, बोला कि मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा, तो ये कुल मिला के BJP में जाना चाहते हैं, तो इन्होंने वॉलंटरीली बोल दिया और इनको क्या कर दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पीकर के द्वारा जो है इसकी ये ऐसा किया जाता है ना, पेपर में डायरेक्टली सवाल है जो कि कई बार पेपर के अंदर पूछते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ भी चल जाते हैं, विप जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, विप, तो इसका मतलब उसने पैसे वैसे लेकर जो है वो पार्टी बदली है, तो उस केस के अंदर भी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है स्पीकर को, अगर लगता है कि इसने अपनी इच्छा से जो है वो या तो नहीं किया या फिर उसने कोई पैसे वैसे खा के किया है, तो अगर ऐसा कोई भी काम होता है तो फिर वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा 52nd कौन सा अमेंडमेंट था, ये 52nd अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है,
ओके, तो ये सब आपके पेपर में डायरेक्टली सवाल है जो कि पॉलिटिक्स पूछते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो कि बात करते हैं पेज नंबर 2 की, और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे एक तो राष्ट्रपति भवन में से जो कोबरा है उसको रेस्क्यू किया गया, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी कोबरा घूम रहे हैं बताओ, और यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए बहुत ही छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, जो भी देखो छोटी हो क्या कैसी हो ये मैटर नहीं करता कि कोई भी न्यूज जो है वो बड़ी पब्लिश हुई है या फिर छोटी पब्लिश हुई, अगर इंपॉर्टेंट है तो है, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा थरोली जो है वो चीजों को देखने की जरूरत होती है। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है एक नए अवार्ड का, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ हिंदू लिटरेचर के लिए, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी, उर्दू लैंग्वेज को लिए। तो कुल मिला के उर्दू लैंग्वेज का जो प्रमोशन है उसका आर्ट और कल्चर को पॉपुलराइज करने के लिए यह अवार्ड जारी किया गया है। फर्स्ट रेसिपियंट जो इस अवार्ड के है वो है गजल सिंगर अहमद हुसैन और साथ में मोहम्मद हुसैन, अहमद एंड मोहम्मद हुसैन है जो कि इसके फर्स्ट रेसिपियंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने आज रिसेंटली अनाउंस किया है प्राइज, उसके पहले विजेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन है, गजल सिंगर्स हैं, इनको पहले अवार्ड के लिए के द्वारा नवाजा गया है कॉन्ट्रीब्यूट करने को उर्दू लैंग्वेज को इंटरनेशनली। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 पे, और यहाँ पे आपको मालूम है बहुत जगह पे जो है बारिश हो रही है और ये बहुत अच्छी भी बात है, ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत के लड़कों ने बाजी मारी है और इंडियन टीम ने यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप 2019 के अंदर कैनेडा को हराकर। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 5 लोगों की टीम थी और चेन्नई मुंबई जयपुर यहाँ से सभी ये लोग बच्चे जो है वो बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दी, काफ़ी ज़्यादा थरोली जो है इन्होंने हर एक जो भी अपने टॉपिक्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो, हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, कई महीनों तक उन्होंने ट्रेनिंग करी और फाइनली यहाँ पे जो है 140 डिबेट अटैम्प्ट करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो फेमिनिज्म पे, स्पोर्ट्स पे, इन्वायरमेंट पे, जो रिसेंट में ट्रेंडिंग वीडियोस चल रहे हैं फिनेंस इकोनॉमी इनके ऊपर करने के बाद में इन्होंने इसको जीता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ठीक है चलिए, तो यहाँ पे साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एक विजुअली इम्पेयर्ड भी है, एक भव्या शाह है जो कि थोड़ी विजुअली इम्पेयर्ड भी है, ठीक है, एक स्टूडेंट है यहाँ इनमें से। तो लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बैरियर नहीं होती है कभी भी, है ना, हमें हमेशा अगर कोई किसी के कुछ भी इम्पेयर्ड है या कोई भी तरीके से प्रॉब्लम है तो हमें उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वो काम नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, समझ गए मेरी बात, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, बस मोटिवेशन की जरूरत होती है, सबके अंदर टैलेंट जो है वो कूट कूट के बराबर, सिर्फ पता करने वाली बात होती है और मोटिवेट करने वाली बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की, और पेज नंबर 9 की बात करें और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक ऑर्डर दिया है कि भाई वॉइस सैंपल जो है वो आप किसी का ले सकते हो जो कि आपके वायलेशन नहीं करती है प्राइवेसी की, है ना, तो अगर कोई पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई आप अपना वॉइस का सैंपल दो और किसी ने मना कर दिया कि नहीं ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा प्राइवेसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं करूँगा मैं, तो ऐसा नहीं है, आप जो है वॉइस सैंपल दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे 7th इकोनॉमिक सेंसस की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे रवीश कुमार को दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है, ये दो न्यूज है जो कि हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है ताकि डाटा कलेक्शन कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, और 7th इकोनॉमिक सेंसस है जो कि पुडुचेरी के अंदर है जिसको लॉन्च किया गया है, कहाँ पे दोस्तों, पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, और पेपर में पूछते हैं कि कहाँ पे रिसेंटली जो है वो इकोनॉमिक सेंसस स्टार्ट किया गया है, तो हर 5 साल के अंदर यहाँ पे कराया जाता है एप्लीकेशन के द्वारा, इस बार जो है बेहतर तरीके से स्टैट्स और चीज़ें जो है उसको एड ऑन करी जाएगी, समझ गए, मॉस्पी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो कि इसको नॉर्मली ये सर्वे जो है वो करता है स्पेसिफिक एरियाज में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी के बारे में बात करें तो किसी टाइम पे जो है फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, है ना, और फ्रेंच, अगर मैं बात करूँ फ्रेंच इंडिया की किसी ज़माने में, तो पुडुचेरी हो गया, कारिकल हो गया, माहे, येनॉन, ये कुछ ऐसी जगह जो कि किसी टाइम पे फ्रेंच लोग है जो कि यहाँ पे रहा करते थे। 2006 के अंदर इसका नाम पौंडीचेरी से जो है वो पुडुचेरी जो है वो किया गया था। ओके, और यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, किरण बेदी है जो कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर कौन है, नारायण स्वामी है कांग्रेस के जो कि अभी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है,
चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार है जिनको भी रिसेंटली बनाया गया था। और वहां की विधानसभा की कितनी सीटें दोस्तों, पुडुचेरी के अंदर मात्र 30 सीटें हैं। छोटा एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है नहीं है, तो 30 सीटें हैं जो कि वहाँ की विधानसभा के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ चलती है वो तमिल, इंग्लिश, मलयालम, ये कुछ लैंग्वेजेज है जो कि वहाँ पे नॉर्मली चलती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जो कि है रमन मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर। तो दोस्तों देखिए, एशिया का नोबेल अवार्ड के बराबर इसको माना जाता है। जैसे कि नोबेल अवार्ड पूरी दुनिया के लिए है, वैसे ऐसा माना जाता है कि एशिया के अंदर जो नोबेल अवार्ड माना जाता है ना, वो किसको, रमन मैग्सेसे अवार्ड को माना जाता है। तो इनको दिया गया है टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। तो आपको मालूम है कि रवीश कुमार की जो रिपोर्टिंग है, मतलब सच बात तो ये है कि आज के टाइम पे जर्नलिज्म जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और रवीश कुमार और इक्का दुक्का ही लोग बचे हैं जो कि सच में जर्नलिज्म को बचा के रखे हुए हैं। आपको याद होगा जब SSC का प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है, जब आपको मालूम है मैं भी और अपनी पूरी टीम जो है 3-4 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया था, काफी दिनों तक मैं भी वहां पे था। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर किसी ने भी साथ नहीं दिया था देश के अंदर। रवीश कुमार ने जो है वो बच्चों को लेकर काफी रिपोर्टिंग करी है, किस तरीके से एग्जाम के अंदर जो है वो फेक जो पेपर जो हुए थे उनको लेकर भी, किस तरीके से गलत तरीके से जो है वो पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो काफी अच्छी रिपोर्टिंग करी थी। इसके अलावा आपको मालूम है इलेक्शन के टाइम पे भी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर जो है वो सही चीजों को जो है वो सामने रखने की कोशिश करी थी। तो काफी फेमस इन्फ्लुएंशियल टीवी जर्नलिस्ट है और उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। थोड़ा बहुत आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो और ये बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि अगर आप कोई पब्लिक सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, कम्युनिटी लीडर है, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस के अंदर है ना, इमरजेंट लीडरशिप के अंदर, तो इन सब के अंदर जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। और इंडियंस को बहुतों को मिला है, जैसे कि किरण बेदी को जी को भी मिला है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला है RTI एक्ट के टाइम पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा बात करें तो अपने बहुत पहले के टाइम पे ज्योतिबा फुले को भी मिला हुआ है ना, तो इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स को ऑलरेडी ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और यार वीडियो को शेयर कर दो, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। आज सैटरडे है माना, लेकिन यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं भी आया हूँ, तो आप लोग भी तो कम से कम ऑनलाइन आके प्रिपरेशन अपनी अच्छे एग्जाम अपनी थोड़ी अच्छी नॉलेज तो ले सकते हो ना। ठीक है, आपको कोई भी देश का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, अगर आप आधा घंटा डेली सुबह देते हैं तो। और एक जिन बच्चों को लगता है ना कि GK रटनी पड़ती है, तो मैं उनको बताऊंगा दोस्तों कि जो बच्चे रेगुलर है जुड़े हुए 4-6 महीने से रेगुलर सुबह 8 बजे वाले देख रहे हैं, आपने देखा होगा, आप उनसे बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं यार, हर चीज क्या होती है रिवाइज होती रहती है। जब आप अपडेटेड रहते हो तो आपको रटना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप जो है वो चलती रहती है आगे से आगे, समझ गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेली अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और आपकी GK जो है ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हम यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब इकोनॉमिक्स सबके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो सारे टॉपिक अपने आप डिस्कशन हो जाते हैं। हर टॉपिक का अपन उसका पास्ट जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, उसका बेसिक्स जानते हैं, रूट जानते हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ये देखिए UAPA बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर भी पास कर दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 मेजर चीज़ें हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है UAPA का तो मेरा कहना है कि आप इसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी ये एक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट के साइन होते ही एक्ट बन जाएगा, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ना। तो मैं आपको मेजर 3 चेंजेस है जो कि इसके अंदर करे गए हैं उनको मैं एक बार समराइज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर टेररिस्ट को क्या कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है एज ए टेररिस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को क्या बोल सकते, टेररिस्ट घोषित कर सकती है और वो नई ऑर्गेनाइजेशन चालू नहीं कर पाएगा। ऐसे कई सारे लोग थे अपने भटकल जी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन कर दिया, उनको बैन नहीं किया था हमने, तो उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अभी दोनों को कर देंगे तो टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो फिर वो वापस से नहीं बना पाएगा, समझ गए, पहला चेंज। दूसरे चेंज की बात करें, प्रॉपर्टी सीज करने के लिए पहले जो है DG है ना स्टेट का, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, अभी NIA का जो हेड होंगे उनकी परमिशन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में प्रॉपर्टीज होती है टेररिस्ट लोगों की, तो हर स्टेट के DG से पूछते रहो, परमिशन लेते रहो, तो काफ़ी टाइम लग जाता था।
समझ गए, अभी उसकी सी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए एनआईए का जो डीजी होगा वही बहुत होगा उसका अप्रूवल ही। तीसरा दोस्तों बात करें तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर पहले था कि भाई डीएसपी या एसीपी के रैंक है उसका ऊपर का ऑफिसर ही करेगा, अभी ऐसा नहीं है, एनआईए का जो ऑफिसर है इंस्पेक्टर रैंक का वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है एसीपी डीएसपी के रैंक के जो ऑफिसर है वो ऑलरेडी एनआईए के अंदर बहुत कम है ना, तो वैसे ही केसेस डिले हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात। तो ये तीन चेंजेस है जो कि यहाँ पे करे गए हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम अगर कोई दे रहे हो तो आपके काम आएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी आपको मालूम ही है चाइना ने वापस से पाकिस्तान है ये क्या नाम है अमेरिका ने जो है 10% जो है वो टैरिफ बढ़ा दिए चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर, और चाइना वो है कि भाई ठीक है तुमने बढ़ा दिया हम भी बढ़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का समझ में नहीं आता यार, ये आदमी जैसे तैसे करके अपने 5 साल पूरे करे तो अमेरिका के लोग और दुनिया के लोग जो है वो गंगा नहाले, समझ गए, तो अगले साल एक आधे साल और बचा है, 5 साल का 4 साल का ही होता है वहाँ तो, ठीक है, तो वहाँ तो अभी 1 साल और बचा तो ये पूरा होए तो काम खत्म होए। तो ये देखिए यहाँ पे $150 बिलियन का, $180 बिलियन का जो है ना बिलियन डॉलर का ये क्या करता है एक्सपोर्ट करता है, और चाइना इनको पता है कितने का करता है, नियर बाय कोई $550 बिलियन है जिसका क्या करता है एक्सपोर्ट करता है। ये लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को $180 बिलियन और चाइना एक्सपोर्ट करता है $550 बिलियन। तो पहले इनका जो है ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में भी बढ़ा है, भारत को या नियर बाय 18-20 बिलियन है उतने का जो एक्सपोर्ट करता है, और चाइना से हमारे यहाँ पे कोई 70-80 बिलियन डॉलर का जो सामान है वो आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप की ये लगाए तो भाई परमानेंट लगा के ख़त्म करे ना, लगाएगा फिर हटाएगा फिर लगाएगा फिर हटाएगा, मतलब बिनमाती जो है वो पूरे के पूरे पता नहीं इकोनॉमिक्स जो है वो बिगाड़ रखी है यार पूरी दुनिया के बिजनेस की। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ ये वाली है जो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, INF वाली। ये INF क्या है, ये INF क्या है दोस्तों, ये एक ट्रीटी है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल फोर्स। मैं आपको थोड़ा सा इसका नाम दिखा देता हूँ पूरा, एक बार रुकिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 1987 के अंदर एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जो है ट्रीटी जो है वो साइन करी गई थी कि भाई जो मीडियम रेंज की जो मिसाइल होगी ना उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा बिजनेस है जो कि नहीं करेंगे, उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसको और आगे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रीटी है दोस्तों वो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा इसको विड्रॉ कर लिया गया, अमेरिका का ये कहना है, ठीक है, अमेरिका का ये कहना है कि भाई रशिया ने इसको तोड़ दिया है, रशिया ने बड़े बड़े जो है वो इसको मिसाइल्स बना ली है। ये ट्रीटी एक्चुअली US के बीच में और USSR के बीच में किसी टाइम पे हुई थी, है ना, एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन क्या करेंगे अपने मिलिट्री के अपने जो मिसाइल्स हैं उनको और एक्सटेंड नहीं करेंगे, जैसे कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, मिसाइल लॉन्चर्स है, उनको 1000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर तक ही रखेंगे, समझ गए, लेकिन एयर टू एयर और जो सी में लॉन्च वाली मिसाइल है उसके ऊपर ये चीज़ जो है वो वैलिडेट नहीं थी। उसी के टाइम पे 1991 के अंदर नियर बाय 2500 मिसाइल्स जो है ना वो इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिए थे, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट था। लेकिन 2018 के अंदर आपको मालूम है ट्रंप, यार वही वाली बात है, ट्रंप ने जो है वो US को स्ट्रेटजी से जो है वो दूर करवा लिया, अक्यूज़ किया कि भाई रशिया इसको मान नहीं रहा है, और फाइनली दोस्तों ये स्ट्रेटजी से विड्रॉ उसने कर लिया है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था जो कि हमने बात की। उस टाइम पे जो US के प्रेसिडेंट थे वो रोनाल्ड रिगन करके हुआ करते थे, और ठीक है, और जो सोवियत यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो मिखाइल करके थे, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था 87 के अंदर, समझ गए मेरी बात को। चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा, और माइक पोम्पियो ने जो है इसके बारे में जानकारी जो कि अभी कौन है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि स्पोर्ट्स को लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर दो न्यूज़ है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक रेसलिंग हुई थी, क्या हुआ था, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हुई थी जहाँ पे सोनम मलिक ने और कोमल ने गोल्ड और सिल्वर मेडल है जो कि यहाँ पे जीता है। कहाँ पे हुई है, बुल्गारिया के अंदर हुई है, बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट बात करें तो 7 साल पहले दोस्तों भारत ने जो है 4th प्लेस के ऊपर रहा था वर्ल्ड रेस वॉकिंग कप के अंदर, रशिया के अंदर वर्ल्ड रेस वॉकिंग कप जो होता है रशिया के अंदर हुआ था, तो वहां पे दोस्तों भारत 4th नंबर पर रहा था, लेकिन जो ब्रॉन्ज के ऊपर जिन्होंने जीता था ना यूक्रेन की टीम ने, वो डोप टेस्ट में फेल हो गई, तो भारत को क्या मिल चुका है, अभी ब्रॉन्ज मेडल है जो कि वाला मिल चुका है, समझ गए। उस टाइम पे सुरेंद्र सिंह, KT इरफान, बाबू भाई,
ये सारे लोग थे जिन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक के अंदर चाइना, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के पीछे रहे थे वो। तो यहाँ पे यूक्रेन जो है अभी वो क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, लंदन को दोस्तों वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट सिटी के तौर पे नवाजा गया है, कंसेक्यूटिवली दूसरे साल ऐसा हुआ है। ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज करी गई है। और भारत की बात करें तो भारत का बेंगलुरु 81, मुंबई 85, दिल्ली 113, चेन्नई 115। और दिल्ली तो मेरे ख्याल से 113 नहीं 1013 पर होना चाहिए था। पढ़ने वालों के लिए दिल्ली बड़ी मुश्किल की जगह है, और पानी, बिजली, हर चीज़ की बड़ी समस्या है। मतलब यार बस मतलब हर चीज़ की बड़ी समस्या है। आगे बात करते हैं, यूएस ने दोस्तों चाइनीज डिसरप्शन जो है मेकॉन रिवर पे जो है वो कर रहा है, उसको लेकर यहाँ पे कंसर्न जारी किया है। ऐसा बोला जा रहा है माइक पोम्पियो के द्वारा कि कई सारे डैम्स है, अपस्ट्रीम डैम्स है और कई सारे रिवर की पेट्रोलिंग्स है जो कि यहाँ पे मेकोंग रिवर के ऊपर द्वारा चाइनीज के द्वारा करी गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि 10 डैम है जो कि वो बना रहा है मेकोंग रिवर के ऊपर। तो कुल मिला के उससे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थोड़े हालत खराब होंगे। मतलब एक्चुअली मेकोंग रिवर जो है वो काफ़ी बड़ी रिवर है जो कि तिब्बतीय प्लेटू से स्टार्ट होती है, उसके बाद में म्यांमार, लायोस, थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम जो है वो होती हुई गुजरती है। ये देखिए ठीक है, काफ़ी बड़ी है, 3-4 हज़ार किलोमीटर की है। ये देखिए इस तरीके से चाइना हो गया, उसके बाद में म्यांमार हो गया, ओके, उसके बाद में यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी देशों से होते हुए गुजरती है। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया ने दोस्तों एक्सटेंड कर दिया है 500,000 जो असिस्टेंट है, $1,000 किसको, गैम्बिया को जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद जी जो है वो अभी गैम्बिया यहाँ पे गए हुए थे, तो इन्होंने यहाँ पे $500,000 की जो सपोर्ट है वो स्किल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री के बढ़ावा के लिए वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को दिए हैं। कैपिटल है गाम्बिया की बंजुल और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, अडामा है जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं काबिल को लेकर। काबिल ये कोई अपने ऋतिक रोशन वाली कोई मूवी नहीं है दोस्तों। काबिल जो है वो सेटअप किया गया है टू इंश्योर कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में मिलती रहे। काबिल की दोस्तों फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये काबिल है दोस्तों जो कि सेटअप किया गया है। और 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ में मिलकर जो है वो काम करेंगे कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो है वो मिनरल की सप्लाई होती रहे। कौन कौन से, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, इन सब के साथ में जो है मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। BIS जो है वो टू सेटअप पश्मीना टेस्टिंग सेंटर। पश्मीना जो शॉल्स होती है, जो वुल होती है, वो बहुत फेमस है हमारे इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो ले के अंदर एक टेस्टिंग सेंटर है जो कि BIS के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। BIS क्या है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सेटअप कर रहे हैं पश्मीना टेस्टिंग सेंटर ले के अंदर पार्टिसिपेशन के साथ में डेवलपमेंट काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल उसके साथ में। ठीक है, तो BIS के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। देखिए होता क्या है कि हर देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके अंदर रिप्रेजेंट करती है। हमारी तरफ से पहले ISI रिप्रेजेंट किया करती थी, ISI मार्क आपको पता है ना, तो पहले ISI मार्क जो है अथॉरिटी भी हुआ करती थी, लेकिन ISI को हमने फिर बाद में हटा दिया क्योंकि ये पाकिस्तान की ISI और हमारे ISI में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बार बार पे नाम पे। तो हमने क्या लेके आया, BIS लेके आए। हालांकि आपके प्रोडक्ट के ऊपर मार्क ISI मिलता है क्योंकि जनरली सबको यही पता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अब ISO के अंदर है ना वो BIS करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, समझ गए। ये हमारी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो कि बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है, यानी कि जो अभी रामविलास पासवान जिसके मिनिस्टर है। ठीक है, इसको 86 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और इसके अभी सुरीना राजन इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, BIS के सुरीना राजन है जो कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 25 मेंबर है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज के जो कि इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे। और भाई कई सारे क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है जो कि दिए जाते हैं, अगर आप कोई डोमेस्टिक काम कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन होता है ना, जैसे कोई आप मान लो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का कोई काम कर रहे हो तो आपको ISO का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। कौन सा वाला सर्टिफिकेशन चाहिए होता है एनवायरनमेंट के लिए, ISO 14001 सर्टिफिकेशन है जो कि आपको चाहिए होता है। तो लगा के रखते हैं ना कि भाई मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट वाले जो कंपनी वाले जो होते हैं वो लगा के रखते हैं, है ना। तो उसका मतलब है कि जो एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना होता है वो उसने मेंटेन किया है, तब जाके उसको ये सर्टिफिकेट मिला है, समझ गए। तो ISO के आगे IS भी लिखा होता है,
यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, तब जाके इसको 14001 सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि क्या दिखाता है, इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वैसे अगर कोई फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का है तो फूड सेफ्टी के लिए कौन सा होता है, 22000 होता है, 22000 ISO 22000 है जो कि सर्टिफिकेशन होता है। ओके, ऐसे ही कोई टूरिज्म वाला होगा, टूरिज्म मैनेजमेंट वाला, टूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट वाला, तो उसको सर्टिफिकेशन मिलता है 21101 सर्टिफिकेशन है जो कि मिलता है। तो इस तरीके से कई सारे सर्टिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के अंदर मिलते रहते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 50001 होता है। ओके, ऐसे ही सब समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। MIB ने लॉन्च किया है कॉम्पिटिशन फॉर डिजाइनिंग पोस्टेज स्टैम्प। MIB क्या है दोस्तों, यह MIB क्या है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिन्होंने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है, फर्स्ट डे कवर टू कमेमोरेट गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे, गोवा के अंदर करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, IMB के द्वारा एक कॉम्पिटिशन है जो कि पोस्टेज स्टैम्प को लेकर, डिजाइन करने को लेकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, अगर आप कोई डिजाइनिंग का आपका कोई बच्चा है, मतलब कोई भी अगर आप में से डिजाइनिंग अच्छी करता है, तो आप अपने जो कोई भी डिजाइन करके पोस्टेज स्टैम्प जो है ना उसको भेज सकते हो, है ना। एंट्री डेट 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में है, गवर्नमेंट के पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपका सही रहा तो चुना भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को SFB में बदलने का फैसला लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने बोला है कि वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर चेंज करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, लोन भी दे सके कस्टमर्स को। समझ गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाया था मैंने जब ये लॉन्च हुए थे, एयरटेल पेमेंट बैंक है जो कि सबसे पहले शुरुआत हुआ था एयरटेल पे, और पेमेंट बैंक में एक्चुअली में होता क्या है कि एक लिमिट होती है, ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड और ये सब भी आपको नहीं मिलता है, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कई सारे ऐसे पेमेंट बैंक के अंदर होते हैं, और नए बैंक है ये, इसके अंदर 95,000 पर कस्टमर जो है ना, इसके अंदर लिमिट होती है कि भाई इतने डिपॉजिट कर सकता है, लोन भी नहीं दे सकते आप, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दोगे आप, है ना, तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए इसके ऊपर, तो इसीलिए लोन नहीं दे पा रहा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या बोला है कि हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि हम लोन भी दे सके। समझ गए, तो ये बात यहाँ पे हुई है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चीफ है, जो कि बनाए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, कौन है, IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के ऑफिसर है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है DGA ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। नेक्स्ट बात करते हैं। फुटबॉल का जो जॉइंट क्लब है ईस्ट बंगाल क्लब, उसने 100 साल है जो कि पूरे कर लिए हैं, तो 100 साल पूरे होने की एवज में उन्होंने भारत, जो मैंने आपको बताया था ना गौरव अवार्ड है, उसकी भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि अपने कपिल देव जी को दिया गया, और यहाँ पे बैनर्जी जो है फॉर्मर फुटबॉलर जो है भास्कर गांगुली और मना रंजन जो है भट्टाचार्य जी, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, और PK बैनर्जी को कोच ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि कल जो है वो आपके पेपर के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, कल SSC MTS का पेपर था 2 अगस्त को, तो कल कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस है जो कि पेपर में आए, वो देख लेते हैं क्या क्या सवाल आए। और आपको दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिए, रेगुलर देखा करो इस सेशन को, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल गया है। पहले SSC क्या करता था, 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर नहीं दिया करता था, अभी जब से TCS के पास में चला गया है SSC, जब से कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले तक का करंट अफेयर आ रहा है, समझ रहे हो आप, और हर पेपर में आ रहा है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आजकल के रेलवेज के एग्जाम में भी मैंने देखा था करंट अफेयर बहुत अपडेट होके आ रहा है, और UPSC के अंदर तो है वो, उनका फिक्स पैरामीटर है कि 1 मंथ पहले तक का आता है UPSC के अंदर, तो है ना, तो UPSC तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी पेपर के अंदर जो है वो बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन आया था गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था, तो ये देख सकते हो आप कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018 किसको मिला था, ये सब आपको मालूम ही है, योही ससाकोवा को मिला था, काफी फेमस क्वेश्चन है, और ये चारों पांचों याद कर लेना 15 से लेकर 18 तक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। विवेकानंद जी को जो केंद्र है 15 का मिला था, अक्षय पात्र 16, एकल अभियान जो है वो 17 और 18, योही ससाकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 17वें स्पीकर जो है वो कौन बनाए गए, तो आपको मालूम ही है ओम बिरला जी को बनाया गया। तो देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आप करंट, अब ये देखो क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है,
होने में पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करके बनाया गया है, तो आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आप करंट से भी अपडेटेड होना तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन। मैं आपको स्पीकर के बारे में 500 बार बता चुका होता हूं, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं स्पीकर का कुछ भी आता तो मैं हमेशा बताता हूं। आज भी सुबह जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई तो मैंने आपको दो पावर बताई स्पीकर की, कि स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि उसने वॉलंटरीली अपना रिजाइन दिया है या नहीं दिया है, समझ गए। तो हम इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। चलिए, कहां से बिलोंग करते हैं? कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा की, वहां से बिलोंग करते हैं और राजस्थान असेंबली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें, कैपिटल पूछी गई यूक्रेन की। अब देखो ये क्यों पूछी गई थी, क्योंकि यहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुने गए थे जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था पॉलिटिक्स का। वो भी क्या आंसर होगा, कीव आंसर होगा, समझ गया। ये देखिए वोल्डोवो, हमने पढ़ा था जब ये मई के अंदर करंट अफेयर के अंदर इसके बारे में, है ना। और हर्निया जो है मैंने आपको करंसी भी बताई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट की बात करें वर्ल्ड कैंसर डे, तो वर्ल्ड कैंसर डे भी हमने किया था दोस्तों, ठीक है। कितनी तारीख को? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ओके। ये देखिए थीम क्या रखी थी इस बार, आई एम एंड आई विल, ये साल की थीम है जो कि रखी गई थी। तो इस तरीके के कुछ सवाल है जो कि पेपर के अंदर पूछे गए और आपके देश के सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विजय राठौड़ का, जिन्होंने फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी के अंदर जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि यहाँ पे भेजा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने एशेज सीरीज को लेकर भेजा है, अभी एशेज सीरीज चली रही है। तो विजय ने बताया कि 1975 के अंदर क्या हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इंग्लैंड के अंदर मैच हारने वाली थी, एजबेस्टन टेस्ट होने हो रहा था, लास्ट दिन था, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 225 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी थे। तो रातों रात जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने पूरी तरीके से पिच को खोद डाला और उसके अंदर तेल डाल दिया ताकि अगले दिन मैच नहीं हो पाए और मैच ड्रॉ हो जाए। तो इस तरीके का काम है जो कि इंग्लैंड की जो बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा सभ्य ऑडियंस है कि अगर भाई सिर्फ कोई खड़ा भी नहीं होता है ऑडियंस के अंदर, सिर्फ ताली बजाते हैं और कोई भी मारे चौका छक्का तब सब ताली बजाते हैं, मतलब चाहे कोई सी भी टीम से हो। लेकिन किसी ज़माने में इंग्लैंड के सपोर्टर है उन्होंने भी ऐसा काम किया था। ये इंडिया में होता तो समझ में भी आता है लेकिन बाहर हो तो थोड़ा मुश्किल होता है मानना। चलिए आगे बात करते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को SFB में बदलने का फैसला लिया गया, SFB का मतलब क्या होता है? किस मंत्रालय ने IFFI के स्वर्ण जयंती संस्करण को मनाने के लिए डाक टिकट डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता है जो कि शुरू करी है? अगली बात करते हैं, गाम्बिया की राजधानी क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को छात्र के लिए भारत के सबसे शहर के रूप में नामित किया गया है? इसके अलावा आज आप लोगों के लिए एक रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, दिन में आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होगी रमन मैग्सेसे अवार्ड को, कि किसको मिल चुका है, क्यों मिलता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, सारी डिटेल जो है मैं उस वीडियो के अंदर बात करूंगा, है ना, देख लीजिएगा। इसके अलावा कल मैं आपको वन लाइनर देने वाला हूं दोस्तों, मंथली वन लाइनर सुबह 8 बजे जो है आपको मिल जाएगा जुलाई मंथ का, तो उसको भी देखिएगा, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना भाई, और RRB JEE के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 8 तारीख से, CBE 2 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी ले लेना, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में डैश तक बिजली का उपयोग करने वाले घरों में मुफ्त बिजली देने का घोषणा करी है, किस राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान सेव ग्रीन स्टे ग्रीन शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? CEO फूड सप्लाई चेन Zomato जो है वो कौन है, जो कि अभी काफी न्यूज के अंदर थे? T20 में 1000 रन 100 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारे थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने कवर करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चे पढ़ते रहे। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।